तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू किंगडम ऑफ फिटनेस। आज की इस वीडियो में मैं आपको कुछ लेटेस्ट अपडेट्स बताता हूं जो हमारी मशीन्स में हुई है। बहुत ज़रूरी अपडेट्स हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहले की वीडियो अगर आप देखते आ रहे हो या आप यूज़र हो मेरी मशीन्स का, तो आप रिलेट करोगे कि हाँ, ये चेंजेस ज़रूरी थे और ये अपडेट होने चाहिए थे और ये हो गया है। स्मिथ मशीन में जो हमने पहला अपडेट किया है, इस हुक को जो जहाँ आप हुक करते थे, जो स्टॉपर होता था, इसकी थिकनेस हमने बढ़ा दी है। पहले थोड़ी कम थिकनेस थी इसकी, पहले थिकनेस अच्छी थी, अभी भी अच्छी है। पर जब भी आप हेवी लोड लेते हो, एथलीट लेवल का जब यूज़र स्मिथ मशीन चलाता है, तो एकदम से उसको लॉक करता है। इसकी थिकनेस अच्छी होनी चाहिए थी, तो इसकी थिकनेस हमने 8mm कर दी। लेज़र कटिंग पे है ये टोटल, तो बहुत ही ज़बरदस्त हो गया ये। ये सेफ्टी लॉक का प्रावधान पहले भी था, अभी भी है, तो ये अपडेट तो पहले का ही है, लेकिन मैंने रिमाइंड करा दिया आपको। नेक्स्ट जो इसी मशीन में अपडेट है वो है कि पहले जब ये रॉड होल्डर्स थे, ये वेल्डेड थे। ये जैसा कि आप देख रहे हो, ये अलग पत्ती है, ये अलग पत्ती है, और ये वेल्ड किया गया है। तो पहले एक हमारे यूज़र हैं मुरादाबाद में, उनका एक कमर्शियल जिम सेटअप मैंने लगाया था, तो उनका ब्रेक हो गया था ये। तो वहाँ से मुझे फीडबैक मिला कि इसको आप चेंज करो, फिर मैंने चेंज करके उनको दिया। अब देखो आप, ये टोटली बेंड कर दिया गया है, ये सिंगल पीस को बेंड किया गया है। इसकी खूबसूरती बढ़ गई, इसकी थिकनेस भी बढ़ा दी हमने, और ये लेजर करके और ये बेंड भी किया गया है, तो बहुत ही ज़बरदस्त, और लॉक अनलॉक करने में भी बहुत ईजी होता है। ऐसे ही जो अपडेट है वो इस बड़े वाले में भी है, जो आप सेफ्टी लॉक देखते हो, तो इसका भी आप देखो तो ये पूरा बेंड हो गया। अभी दोनों साइड से सिंगल पीस को बेंड कर दिया गया है, तो जाहिर सी बात है सिंगल पीस में मजबूती बहुत ज़्यादा होगी, थिकनेस ही बढ़ गई तो मजबूती और बढ़ गई। तो ये एक मेजर अपडेट था जो कि होना ही चाहिए था और आपको पसंद भी आना चाहिए। चेस्ट प्रेस भी रिवर्स लैट पुल डाउन हैमर में बहुत ज़्यादा मेजर चेंजेस नहीं है, पहले भी एक्यूरेसी अच्छी थी। जो मेजर चेंजेस हैं वो सीट में है। ये सीट हालांकि पहले भी चेंज हो चुका था, लेकिन मैं आपको रिमाइंड कराना चाहता हूँ, जो सीट का ये स्टेनलेस स्टील का जो पाइप लगा हुआ है वो CNC पे लेजर किया गया है, लेजर कटिंग की गई है। एंड ये जो आप कैचर देख रहे हो, जो इसको एडजस्टिंग नॉब भी बोलते हैं, वो बिल्कुल एक्यूरेसी के साथ इन होल्स में जाता है और इजिली आप अपने हाइट के हिसाब से अपना वो एडजस्ट करके एक्सरसाइज परफॉर्म कर सकते हो। तो ये एक मेजर चेंजेस थे। नेक्स्ट जो चेस्ट प्रेस हैमर में अपडेट है वो बेंडिंग का है स्पेशली। तो ये जो पाइप देख रहे हो आप हैंडल का, और ये जो नीचे का सपोर्ट पाइप देख रहे हो आप, ये पीछे का जो सपोर्ट देख रहे हो आप, ये सारा CNC में बेंड कर दिया गया है। तो खूबसूरती इनहांस हो गई, बहुत ज़बरदस्त लगने लगी मशीन, और एक्यूरेसी पहले भी अच्छी थी, अभी भी अच्छी है, हेवीनेस वही है, बस इसका ओवरऑल लुक इनहांस हो चुका है। तो ये सारे ही बेंड पे ऑटो कैडिंग करके इसको बेंड कर दिया गया। नेक्स्ट जो अपडेट है वो शोल्डर प्रेस हैमर में है। तो चेस्ट प्रेस हैमर की तरह शोल्डर प्रेस में भी पूरा ही CNC बेंड का इस्तेमाल कर दिया गया है। जैसे कि आप हैंडल में देख रहे हो, ये पूरा बेंड, और ये आगे के फ्रंट सपोर्ट में भी पूरा CNC बेंडिंग कर दी गई है। ये बेंडिंग ऐसे ही नहीं होती, पहले मशीन प्रोटोटाइप बनानी पड़ती है, फिर इसका ट्रायल एंड एरर होता है, कई बार एरर निकालना पड़ता है प्रोटोटाइप में, फिर इसको ऑटो कैड पे इसकी या सॉलिड वर्क्स पे डिजाइन करना पड़ता है, फिर जाके ये मशीन पे बेंड होता है, तब जाके एक्यूरेसी आती है और लुक जो आप देख रहे हो वो आती है। सो केबल क्रॉसओवर और सिंगल एडजस्टेबल पुली में भी कुछ चेंजेज हैं, छोटे चेंजेज हैं, पहले भी बहुत ज़बरदस्त हुआ करता था। तो ये जो ब्रैकेट देख रहे हो आप, जो पुली चल रही है, इसको हमने चेंज कर दिया है। पहले जैसा लगता था, पहले थोड़ा लाइट वेट लगता था, थोड़ा थिन था वो, अब थिकनेस भी बढ़ गई और लुक भी इनहांस हो गया। ये ब्रैकेट चेंज हो गया केबल क्रॉसओवर में, फंक्शनल ट्रेनर में, एंड सिंगल क्रॉसओवर में भी, इवन जहाँ जहाँ ये यूज होता है, जहाँ से वेट के पास से पुली चलती है, ये ब्रैकेट हमने चेंज कर दिया। तो ओवरऑल लुक और मजबूती दोनों ही इनहांस हो गई। बाकी चेंजेस पहले ही थे, जैसे कि आप स्टेनलेस स्टील का ये पाइप देख रहे हो, इसमें लेजर कटिंग विद नंबर्स, ये पहले भी थे, लेकिन मैं एक बार फिर रिमाइंड करा देता हूँ, ये चेंजेस बेहतरीन थे, वो ड्रास्टिक चेंज कराता हूँ। नेक्स्ट जो अपडेट है वो चिंडी पसिश मशीन में है। चिंडी पसिश मशीन में पहले क्या होता था कि जब आप पिन निकालते थे तो ये पूरा पोर्शन वेट सीट का नीचे आ जाता था। अब ये टोटल जो होता है वो 19 kg का होता है, इसका सीट का और इसका लेजर कटिंग का पार्ट टोटल वेट करने पे 19 kg का होता है। तो वो सीट ना गिरे, पिन निकालो या ना निकालो, एक जगह स्टेबल रहे, उसके लिए हमने एक 19 kg का ही काउंटर वेट पीछे लगा दिया, उसको काउंटर करने के लिए, न्यूट्रलाइज करने के लिए। अब यहाँ काउंटर बैलेंस का एक वेट लग गया। अब क्या होता है, आप पिन निकालो या ना निकालो, ये वेट नीचे ही रहता है और सीट अपनी जगह पे स्थिर रहती है, तो एक्सरसाइज करने में असुविधा नहीं होती। कभी आपको ऐसा नहीं होता कि पिन निकालो तो सीट ऊपर करके निकालो, आप बेधड़क निकालो, लगाओ, सीट अपनी जगह फिक्स रहेगा। अब रोइंग हैमर पे जो अपडेट है वो एक मेजर अपडेट तो यही है कि ये CNC बेंड पे इसका हैंडल आ गया, तो खूबसूरती बढ़ गई। पहले कट होके बनता था, पुराने व्यूअर हैं आप तो जाके देख सकते हैं कि यहाँ कट होके बन रहा है। तो इसमें एक्यूरेसी बढ़ गई, एक्यूरेसी उसमें भी थी, बट ये खूबसूरती बढ़ गई, एक्यूरेसी थोड़ी भी बहुत और बढ़ गई है। बाकी जो फुटरेस्ट होता है, जहाँ भी पैर रखते हो आप, या जहाँ रॉड रखते हो आप, जहाँ कैचर लगाते हो आप, वहां से कलर पे डाउन हर एक जगह पे हमने स्टेनलेस स्टील की एक लेजर कटिंग पत्ती लगा दी, ताकि बार बार जब पैर जाता वहां पे तो कलर फेड ना हो, पाउडर कोटिंग ना जाए। तो ये
कुछ चेंजेस थे जो कि मैं आपको दिखाना चाहता था इस मशीन के अंदर। नेक्स्ट जो पेगडेक स्लाई में चेंजेस है वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये जो बेंड देख रहे हो आगे का आप, ये पहले कट लग के बनता था, अब ये सीएनसी भी बेंड हो गया, तो ये इसमें मेजर चेंजेस थे। बाकी इसका डिजाइन भी हमने लेजर कटिंग पे चेंज कराया है फ्रंट पुल्ली की। और पहले आप देखते थे एक शिकायत आती थी, ज्यादातर लोग आप जिम वाले होते हैं ना वो देखते हैं कि पैकडेक चला के फ्रंट पे लाके कि ये हैंडल थोड़ा बाहर है जी एक इंच। हालांकि ऐसा होता नहीं बनाते वक्त, होता क्या है कि इसकी मेजरमेंट तो सारी कटिंग लेजर पे हो रही है तो फिक्स ही आएगी। वो जो दिक्कत आती है आपको इस पिन से आती है, इस पिन को किसी ने अगर हेवी वेट लेकर और झटके से पीछे छोड़ दिया तो कई बार क्या होता है, बहुत रेयरली होता है लेकिन कई बार क्या होता है, इसकी पिन जो है इसकी स्क्रूइंग ढीली होगी, पिन एक की बड़ी हो गई तो जाहिर सी बात है ये पोर्शन का गैप बढ़ गया और ये हैंडल थोड़ा बड़ा हो जाएगा। इसको एडजस्ट किया जा सकता है, हालांकि अब के अपडेट में ये प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप पहले के भी यूजर हो और ये दिक्कत आई है तो इसको खोल के और पिन को ऊपर करके और इसकी बेयरिंग पहले आपको निकालनी पड़ेगी फिर डालनी पड़ेगी, वो चेंजेस हो जाते हैं। हालांकि वो लोग वीडियो कॉल पर भी करवा देते हैं, बहुत छोटा सा चेंज है वो। तो ये मेजर चेंजेस थे। बाकी इसमें स्टेनलेस स्टील विद नंबर्स जो अपडेट करना था वो अपडेट हो चुका है। ये पुराना अपडेट है पर मैं आपको रिमाइंड कराना चाहता था कि आप नंबर काउंट करके और इजीली आप हैंडल लगाओ और अपना रियर डेल्ट या पैकडेक फ्लाई जो भी करना है आपको इजीली क्विकली कर सकते हो ताकि मशीन ज्यादातर ऑक्यूपाई ना रहे। लेग प्रेस और हैक स्क्वाट में एक छोटा सा चेंज है, वो ये है कि जो नीचे का सीएनसी बेंडिंग कर दिया हमने पाइप को ताकि लुक एनहांस हो जाए। कवर पहले भी लगते थे, अभी भी लग रहे हैं, तो यही छोटा सा चेंज है तो ओवरऑल लुक ही एनहांस हो रहा है और लुक बढ़ गया इसका। सुपर स्क्वाट मशीन में जो पाइप की बेंडिंग थी वो मैनुअल थी, अब पूरी सीएनसी पे कर दी गई है। आगे का बेंड देख रहे हो आप, ये सीट का बेंड देख रहे हो आप, ये सारी सीएनसी बेंडिंग हो गई, एक रेसी और बढ़ गई है और लॉक का सिस्टम भी हमने चेंज करा है। तो यूजर बिल्कुल बिगिनर हो, इंटरमीडिएट हो या एथलीट लेवल का बंदा हो इजिली लॉक अनलॉक कर सकता है और हाइट कुछ भी हो तो उस हिसाब से थोड़ा डिजाइन चेंज हुआ है और परफेक्शन इसमें और आ गई है। नेक्स्ट जो अपडेट है और मेजर अपडेट है, ओलंपिक बेंचेज में इंक्लाइंड हो, फ्लैट हो या डिक्लाइंड हो, इसका जो वेट स्टैक पहले लगता था उसकी टूटने की शिकायत आती थी, उसकी प्लास्टिक की एक प्रोफाइल पत्ती लगती थी उस पर वो वेट स्टैक लगता था, लेकिन जब भी कोई हेवी वेट करके रोड छोड़ता था अचानक से तो ब्रेकेज होती थी, फिर बार बार उसको भेजना पड़ता था। अब हमने आयरन पे मोल्डिंग की हुई हार्ड प्लास्टिक ये है और ये लगा दिए, ये आयरन ही है पूरा सॉलिड अंदर से। अब इसमें टूटने की शिकायत नहीं है, इसमें गहराई थोड़ी बढ़ गई है तो सेफ्टी पर्पज के लिहाज से भी बढ़ गया है, बिगिनर भी कर रहा है और आराम से अपना रख दिया उसने तो बाहर आने की शिकायत नहीं आएगी क्योंकि इसकी गहराई देखो अब गहराई बहुत ज्यादा हो गई है। तो ये अपडेट आपकी प्रीचर बेंच में भी, सुपर स्क्वाट में भी ये अपडेट और तीनों ओलंपिक बेंचेज में अपडेट हो गया, एक मेजर अपडेट था, जरूरी अपडेट। नेक्स्ट जो अपडेट है और मेजर अपडेट है मेरे हिसाब से वो है एडजस्टेबल बेंच में। एडजस्टेबल बेंच में पहले क्या होता था कि ये जो एंगल देख रहे हो आप इसकी डिस्टेंस ज्यादा हुआ करता था। अब होता क्या था, डिजायर्ड डिग्री नहीं मिल पाती थी जब आप इंक्लाइन कर दो, किसी को 30 डिग्री पसंद है, किसी को 35, कोई 25 पे खुश है, तो अब ये बिल्कुल ही पास पास कर दिया गया इस डिग्री को और थिकनेस बढ़ा दी गई 8 mm। अब आपकी जो भी डिजायर्ड डिग्री है इंक्लाइन प्रेस करने के लिए या शोल्डर प्रेस करने के लिए वो आप लगा के इजिली कर सकते हो। ये प्रॉब्लम थी और ये सॉल्व हो चुकी है। पहले की आप वीडियो देखोगे तो गैप ज्यादा हुआ करते थे, अब बहुत डिग्री माइनर डिग्री आ गई, 4433 डिग्री के बिल्कुल पास आ गया है। सो सीटेड काफ मशीन में जो अपडेट है वो उसके लॉक का है। पहले लॉक में यहाँ पे एक पत्ती वेल्ड कर दी जाती थी ताकि वो स्टॉप हो जाए नीचे जाके, पर होता क्या था कि इसको बार बार ऐसे यूज करने पे ना वो उसका वेयर एंड टियर हुआ है एक दो जिम्स में, आउट ऑफ 100 जिम्स एक दो जिम में ये दिक्कत तो आई थी। इसको परमानेंटली सॉल्व करने के लिए यूजर ने ही हमें, हमारे क्लाइंट ने ही कुछ हमें अपडेट भेजा कि आप इस तरीके से कुछ प्लान कर सकते हो। फिर हमने इसको लेजर कराया और बोथ साइड ये स्टॉपर है ना, यहाँ से आगे जा सकता है ना ये इस पॉइंट से पीछे जाएगा, तो लॉक आप बिगिनर भी हो ना इजिली करेगा, तो इसमें अब वेयर टेयर हो ही नहीं सकती और देखने में भी लुक बहुत इनहांस हो गया। तो ये एक मेजर अपडेट था। नेक्स्ट जो बड़ा अपडेट है वो है डंबल रैक में। डंबल रैक में कई सारे अपडेट हैं। पहला अपडेट ये है कि ये 6 फुट से 7 फुट कर दिया गया है और 3 लेयर पहले भी था तो 1 फुट ज्यादा मिल गया, यानी 3 फुट ही ज्यादा मिल गया 3 लेयर होने की वजह से। एक बड़ा अपडेट इसमें आप देखोगे तो यहाँ कैप्सूल नुमा एक लेजर कटिंग की गई है कैप्सूल साइज की, वो इसलिए कि अगर आपके पास ओल्ड वेट भी ओल्ड डंबल भी पड़े हुए हैं और आपने ये डंबल रैक ले लिया तो अलग अलग मैन्युफैक्चरर के ये जो साइज होते हैं डंबल्स की ग्रिप की अलग अलग होते हैं। तो होता क्या था, कोई डंबल्स आते थे किसी कंपनी के नहीं आते थे। अब इस कैप्सूल के होल की वजह से इसको एडजस्ट किया जा सकता है आगे पीछे, तो आप इजीली किसी भी कंपनी का डंबल हो आप एडजस्ट करके रख सकते हो, उसके हैंडल के साइज के हिसाब से इसको एडजस्ट किया जा सकता है। तो ये बड़ी प्रॉब्लम थी, ये सॉल्व हो चुकी है। सो लैटरल एज हैमर में जो एक मेजर चेंज है वो है कि ये प्लेट थोड़ी बड़ी कर दी गई है और इसको थोड़ा पीछे ले जाया गया है, थोड़ी लेंथ बढ़ा दी गई है ताकि कोई लंबा यूजर अब हेवी लोड लेता है तो पीछे की तरफ इजिली खड़ा हो सके, प्लेटफॉर्म का हिस्सा कुछ पीछे भी निकला होना चाहिए और बॉडी को अगर आपने बेंड करता है आर्क बनाता है तो इजिली पीछे खड़ा होके और सेफली एक्सरसाइज कर सके, यूजर की हाइट कुछ भी हो इस पे इजिली कर सकता है एक्सरसाइज। तो ये एक मेजर अपडेट था लैटरल एज हैमर में।
सो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। जो भी चेंजेज हुए हैं, जो भी अपडेट हुए हैं, वो कितने जरूरी थे, तो वो हमारे लिए भी जरूरी थे, आपके लिए भी जरूरी थे। अगर आपको कमर्शियल जिम सेटअप लगाना है तो डिस्क्रिप्शन में कॉन्टैक्ट लिंक दिया हुआ है, वहाँ जाके आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। क्या सिस्टम है ट्रांसपोर्टेशन का, कैसे आपके यहाँ जिम इंस्टॉल होगा, कितना पैसा खर्च होगा, मेजर क्वेश्चन, तो ये सारी अपडेट आपको दी जाएगी। पैकेजेस कितने कितने के चल रहे हैं, क्या डिस्काउंट चल रहा है, सारी डिटेल आपको मिलेगी। और हमारी टीम की तरफ से पूरी जानकारी इन्फॉर्मेशन प्राप्त करें। थैंक यू सो मच।